Hello everyone, this is your faculty for CA Foundation Law, Kunal Mandhaniya, and I welcome you all to this T20 revision lecture. Now, T20 revision lecture मतलब क्या, मैं बहुत पहले क्लियर कर लूं, इस लेक्चर में मैं कुछ भी समझाने वाला नहीं हूं, जिसको भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिविजन लेक्चर देखना है समझाने के एंगल से. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने ऑलरेडी एक रिविजन लेक्चर डाला है 3 घंटे का, आप वहां पे जाके हर चीज को समझ सकते हो. इस लेक्चर में मेरा इंटेंशन है हर चीज का एक ओवरव्यू देना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और किस चीज को आपको कितना लिखना है. तो अगर कोई बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी इस चैप्टर की, तो ये रिविजन लेक्चर उसके लिए नहीं है. उसके लिए 3 घंटे का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिविजन लेक्चर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो. This is just a T20 revision of ऊपर से क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है और किस पे कितना आपको फोकस करना है. ओके, सो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक बात समझ लो, ये चैप्टर मेनली बाकी कंसेप्ट को समझाने के लिए है, कुछ लीगल वर्ड्स है उसको समझाने के लिए है, ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का उतना रेलेवेंस नहीं है. स्पेशली कुछ डेफिनेशंस जो यहाँ पे दी हुई है, ये एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको मालूम होना चाहिए. ओके, सो हम फर्स्ट बात करते हैं क्लास प्रॉमिस. सी, जब भी एक ऑफर दिया जाता है, ऑफर पे अगर एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो प्रॉमिस होगा, अदरवाइज प्रॉमिस नहीं होगा. वो सेम चीज को डिफाइन करता है यहाँ पे. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्रिएट्स अ प्रॉमिस, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉमिस. नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, यस, एग्रीमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 2E. वो बोलते हैं जब भी ऑफर पे एक्सेप्टेंस हो जाए, दोनों ही पार्टी एक म्यूचुअल चीज में जब एग्री करती है उसे बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है. क्योंकि ऑफर पे एक्सेप्टेंस आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के बीच में प्रॉमिस क्रिएट होता है. देयरफॉर उसका डेफिनेशन उस एंगल से है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट. नाउ क्लास, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, वन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. याद रखना, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. Enforceable by law मतलब अगर agreement में किसी party ने कोई promise किया है तो, और वो promise fulfill नहीं किया, तो सामने वाला उस promise को fulfill करवाने के लिए class court में case कर सकता है. So class, contract ऐसा agreement है which is enforceable by law, मतलब यहां अगर पार्टी ने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो उसे enforce करवाने के लिए सामने वाली पार्टी कोर्ट में केस कर सकती है. ओके, वेयरएस ऐसे भी कोई एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे सोशल एग्रीमेंट्स जो दोस्तों के बीच में होते हैं या नोन लोगों के बीच में होते हैं, या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो फैमिली मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, वहां पे दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं. तो अगर फादर ने सन को, फादर ने डॉटर को, मदर ने सन डॉटर को, फैमिली के बीच में या नॉन लोगों के बीच में कोई सोशल एग्रीमेंट होते हैं तो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वहां पे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आगे बढ़ते क्लास. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है. अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने के चांस है तो ये क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली वो बोल रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि यस, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और उस पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे सोशल एग्रीमेंट्स हो गए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये पॉइंट भी आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा. ऑलराइट क्लास, मूविंग फॉरवर्ड. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ये सेक्शन देखोगे तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है. वेयर एज ये वाले पार्ट में, ये वाले क्लासिफिकेशन में एक या दो मार्क के लिए एक आधी पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है.
थर्ड पार्ट में अगर मैं मूव करूं, इस पार्ट से भी एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा. ओके सो मैं फिर से रिपीट करता हूं. टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के हमें तीन पार्ट दिखे. नंबर वन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करके होता है ओरली या रिटन मैनर में, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वर्ड से एक्सप्रेस नहीं किया बट वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. कैसे बना? बाय कंडक्ट ऑफ अ पार्टीज. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो एक्सप्रेस नहीं होता बट किसी भी पार्टी के कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसे बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्लास दो टाइप के होते हैं. नंबर वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. हमने क्या देखा? सारे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से है सर? वो हमने अलग से एक चैप्टर में देखा है, सेक्शन 50, सेक्शन 50, हाँ जी सॉरी, सेक्शन 68 टू सेक्शन 73, इस पे अलग से एक चैप्टर है, हम उस पे वहीं पे डिस्कशन करेंगे. नाउ ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं वाया इंटरनेट. ओके, इनमें से किसी पे भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए. मूविंग फॉरवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, मतलब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वैलिड नहीं है. ओके, उसमें इसमें से एकाधि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एक या दो मार्क के लिए. ओके, नंबर वन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है. एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे. इसपे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है. नेक्स्ट पॉइंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जब बना था तब वैलिड था बट बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब वो एनफोर्सेबल नहीं है. इट बिकम्स वॉइड, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. सर ऐसा क्या हुआ? ये हमने आगे देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में. जो जो एग्जाम्पल्स है डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वो सारे सिचुएशंस ऐसे है क्लास जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ओके, थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लास बहुत कम जगह लॉ में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. जैसे फ्री कंसेंट चैप्टर में आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. फिर चैप्टर नंबर 7 और 9 में एक दो जगह आपने देखा है जहां पर टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है. अब क्लास जहां भी लॉ में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, इसका मतलब रिपीट, जहां जहां लॉ में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मतलब एग्रीव पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है उसे ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है या वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, वॉइड कर सकता है, बट उसे ये डिसीजन लेना है विद इन रीजनेबल टाइम. अगर रीजनेबल टाइम तक उसने डिसीजन ले लिया अवॉइड करने का, वॉइड करने का, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. अगर रीजनेबल टाइम तक उसने डिसीजन नहीं लिया क्लास, तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड. ओके, नेक्स्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. सी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट यानी वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, पहले समझ लो. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट उसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है. आई रिपीट, वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है बट वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा because of some technical defect. The moment you will remove that technical defect, it will again become enforceable class. Okay? Whereas void agreements kya hai? They are void ab initio. Matlab wo shuruaat se hi void hai. Matlab kya class? Humne chapter number 6 mein dekha tha agreements which are expressly declared as void, jo pehle se hi contract act mein diya hua hai ki this agreements are void. Void ab initio. Okay? तो अगर आपने एग्रीमेंट किए दिस विल बी वॉइड एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज इलीगल एग्रीमेंट. इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है एक या दो मार्क के लिए. सर लीगल एग्रीमेंट क्या है? ठीक है, व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब ठीक है कोई लॉ ने उसे स्पेसिफिकली फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते. कौन सा लॉ सर? इलीगल की बात करें तो हम बात करते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड.
इंडियन पिनल कोड ने उसको स्पेसिफिकली मना किया है कि आप इनमें से कोई भी एग्रीमेंट में डील नहीं कर सकते। इसका हमने और एक डेफिनेशन देखा है चैप्टर नंबर 6 में, इट वॉज ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका या तो ऑब्जेक्ट या तो कंसिडरेशन क्या है क्लास अनलॉफुल है, उसे भी बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। यस, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड डेफिनेशन, वो खुद तो वॉइड होते हैं क्लास, पर हमने क्या बात है जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट है, आई रिपीट, एनी कोलैटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट, वो भी क्या हो जाते हैं वॉइड। यानी हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबे। इलीगल एग्रीमेंट खुद तो वॉइड हो जाता है, बट उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो भी वॉइड एबनिश हो जाते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मैं फिर से बोल रहा हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सी है, ये एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ वर्ड्स आपके नॉलेज के लिए आपको मालूम होने चाहिए। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है? इफ द आंसर इज यस तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द आंसर इज नो देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लास ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, नंबर वन यूनिलैटरल, नंबर टू बायलैटरल। इशू ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, किसने परफॉर्म नहीं किया? अगर एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो इट इज यूनिलैटरल, एंड अगर दोनों पार्टी ने क्लास परफॉर्म नहीं किया देन इट इज बायलैटरल। ओके, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा। दो राइट्स अगेन आपके नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम के नहीं है, इट्स अ सी कंसेप्ट। ओके, सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको दो राइट मिलते हैं, वन इज राइट इन पर्सोनम, वन इज राइट इन रेम। ओके, राइट इन रेम ये एक राइट क्लास ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज के ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मेरी घड़ी है तो मुझे ही यूज करने का राइट है अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। ओके, देयरफॉर दिस इज राइट इन रेम, मुझे इस चीज इस थिंग के अगेंस्ट द राइट है अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज राइट इन रेम। व्हेरएस अगर मैं राइट इन पर्सनम की बात करूं तो ये राइट मिलता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी घड़ी बेचूंगा, बदले में आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, कितने 10,000 रुपीज। तो ऐसे केस में मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने तक आपसे 10,000 रुपीज लेने का राइट है, आपको मुझसे घड़ी लेने का राइट है, हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में राइट है, वो राइट किसी और से नहीं है, देयरफॉर सच राइट्स आर कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में राइट है, दोनों पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ओके, सो अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। मूविंग फॉरवर्ड क्लास, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तो ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इसके आने के चांसेस क्लास ए है। ओके, क्या बोलते हैं, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स और कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्लास पहले भी बात की है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है। नाउ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने के लिए उस पर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। तो एग्जाम में इस पर तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर कंडीशंस फॉर एनफोर्सिबिलिटी। अगर एनफोर्सिबिलिटी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा जा रहा है। सी क्लास, ये अगर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आए, 6 मार्क के लिए आए, तो आपको एटलीस्ट ये 10 पॉइंट कोशिश करो पूरे के पूरे 10 पॉइंट लिखने की। और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है क्लास, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम कोई ना कोई चैप्टर का नाम है। जैसे फर्स्ट पॉइंट एग्रीमेंट, उसके जगह लिखेंगे आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, में पहले ही बता चुका आपको क्लास में। So, सारी हेडिंग लिखो और एक सेंटेंस के अंदर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। ओके, थ्योरी क्वेश्चन में नॉर्मली हमको एक या दो सेंटेंस में उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर शुड बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, ये हमने देखा है चैप्टर नंबर 2 में।
नेक्स्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. जो एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट. ओके, लॉफुल कंसेशन होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में देख लिया हमने. पार्टी शुड बी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 4 में देख लिया अपन ने. नंबर 5, कंसेंट होना चाहिए और कंसेंट फ्री होना चाहिए, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में देख लिया. फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये दोनों हमने चैप्टर नंबर 6 में देख लिया. इट शुड बी सर्टन एंड पॉसिबल टू परफॉर्म, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा. एंड लास्ट पॉइंट, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज क्लास फुलफिल होनी चाहिए. ओके, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है क्लास. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, मोस्टली इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं. ये सब चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है. अब डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने आपके नोट्स में तो ऐसे लिखाया है बट मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, हमको थ्योरी टाइप में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है. ओके, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो एग्जाम में आ सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो एग्जाम में आ सकता है. आप ये सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़िए, और आपको कोई भी डाउट है तो अपने व्हाट्सएप के डाउट ग्रुप में, ठीक है, क्लास के आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज फर्स्ट चैप्टर, रिविजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. कमिंग टू सेकेंड चैप्टर, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो हमें क्या देखा था क्लास, की ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी यहां जो वर्ड यूज किया हुआ है वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से यूज किया है. नेक्स्ट हमने डेफिनेशन देखी सेक्शन 2A ऑफर की. ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लेना, बिकॉज अगर टाइप्स ऑफ ऑफर पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऐसे केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले इंट्रोडक्शन में उसका डेफिनेशन लिखो ऑफर का, फिर फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, और फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, ऐसे हम लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर. यस, ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट्स अ बी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस वाइज ए जितना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एग्जाम में आ सकता है. नंबर 1, एक्सप्रेस ऑफर, जो ऑफर हमने एक्सप्रेस किया है या तो ओरली या तो रिटन मैनर में. नंबर 2, इंप्लाइड ऑफर, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इंप्लाइड ऑफर जो आप देख सकते हो, जो एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं क्लास कि वो ऑफर है. ओके, नंबर 3, स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर है जो हमने स्पेसिफिक पर्सन को दिया है या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया है. रूल इज, जिस पर्सन को हमने वो ऑफर दिया है अगर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता होगा तो इट विल बी स्पेसिफिक ऑफर. वेयर एज अगर जनरल ऑफर की बात करूं तो इट मींस इट इज ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज. लॉजिक क्या है, अगर वो ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है तो देन इट विल बी जनरल ऑफर. इस पे एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लाई वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो आगे भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास. नेक्स्ट क्रॉस ऑफर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां दोनों ही पार्टी एक दूसरे को सिमिलर या आइडेंटिकल ऑफर दे रही है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर. हमने पहले ही बात किया है कि दो क्रॉस ऑफर मिलके कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, बिकॉज दोनों भी ऑफर है, भले ही दोनों सिमिलर है बट दोनों ही ऑफर है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ओके, देयरफॉर दिस इज नॉट, इससे कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है, दो में से एक पार्टी को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब अगर आपने मुझे ऑफर दिया और बदले मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके और एक ऑफर दिया, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर. इससे क्या होता है कि ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और नया ऑफर जो होता है वो, यानी काउंटर ऑफर जो होता है वो वैलिड होता है. ओके, सो अगर दोनों पार्टी सिमिलर ऑफर दे रही है इट इज क्रॉस ऑफर,
और एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके उसे ऑफर दिया, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। इससे ओरिजिनल ऑफर क्लास लैप्स हो जाएगा, ठीक है, एंड काउंटर ऑफर विल बी द न्यू ऑफर। ओके, नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑफर, मतलब कोई भी ऑफर एक पर्टिकुलर पीरियड तक वैलिड होता है, जब तक वो वैलिड होता है तब तक उसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूअस ऑफर। ओके, नेक्स्ट एक्चुअल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कार्लाइल वाले केस पे है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ढेरी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क के लिए होगा। अगर 4 मार्क के लिए तो कम से कम इसके 6 से 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और 6 मार्क के लिए आया तो कम से कम 8 से 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हम पहली बात कर चुके हैं। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर शुड बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि वो ऐसा ऑफर है जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो पार्टीज के बीच में इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। ये हमने क्लास में भी देखा था और उस पर एक इंपॉर्टेंट केस देखा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं एंड में आपको टिक करा दूंगा क्लास कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन। टर्म्स सर्टन होना चाहिए, वीग नहीं होना चाहिए, वरना वो ऑफर ही वैलिड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आप चाहो तो ऑफर में कितने भी कंडीशन लगा सकते हो क्लास, वो ऑफर ही के ऊपर है कि उसको कंडीशन चलता है या नहीं। ओके, सो ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। अगर आपने कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस किया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता क्लास, दैट इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। ओके, सो ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। सी, ऐसा कोई ऑफर वैलिड नहीं होगा कि तूने एक्सेप्टेंस नहीं किया इतने टाइम तक तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। यहां मानने वानने का कोई इश्यू नहीं है, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होने चाहिए सेम लाइक ऑफर। ओके, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर नेवर मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ही क्रॉस ऑफर है, दोनों ही ऑफर है, अभी तक किसी ने एक्सेप्टेंस दिया नहीं है। नेक्स्ट, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्लास, अगर तो वो ऑफर है तो उसका रिप्लाई एक्सेप्टेंस हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बट अगर वो इन्विटेशन टू ऑफर है तो उसका रिप्लाई ऑफर बनेगा, फिर उसका रिप्लाई एक्सेप्टेंस बनेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस केस में वो ऑफर है कि इन्विटेशन टू ऑफर है। अगर ऑफर है तो रिप्लाई विल बी एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो इन्विटेशन टू ऑफर है तो उसके रिप्लाई से ऑफर देना है, पार्टी को इन्वाइट करना है कि आप ऑफर दो, फिर मैं डिसाइड करूंगा ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। ओके, ये सारे एग्जांपल्स याद कर लेना है आपको इनविटेशन टू ऑफर के। उनके रिप्लाई में अगर पार्टी ने कुछ भी दिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये काउंट, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिचुएशंस और केसेस वेयर अ ऑफर लैप्सेस और ऑफर कम्स टू अ एंड। ठीक है, एक बार समझ लो, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो जब तक ऑफर लैप्स नहीं होता। अगर लैप्स होने के पहले आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो पार्टीज के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाएगा, बट लैप्स होने के बाद अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फिर कॉन्टैक्ट बनने वाला नहीं है। यहां सारे केसेस दिए हैं कब कब ऑफर लैप्स होता है। एग्जाम में इस पे 2 से लेके 4 मार्क तक क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क का आया तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क का आया तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, और 4 मार्क का आया तो आप मैक्सिमम 6 से 7 पॉइंट ही लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है,
ऑफर एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोनों का डेफिनेशन सेम है. जब भी ऑफर पे एक्सेप्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड स्माइल एक्सेप्टेंस, या प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, दोनों डेफिनेशन सेम है क्लास यहाँ पे. ठीक है, बहुत रेयरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. वो क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस इज टू प्रपोजल व्हाट अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ गन पाउडर. ऑफकोर्स ठीक है, जैसे लाइटेड मैच स्टिक गन पाउडर पर लगा दिया तो बॉम्ब फूट जाता है, जल जाता है सब कुछ, यानी आपके पास वापिस लेने का मौका नहीं है. वैसे ही एक बार आपने ऑफर पे एक्सेप्टेंस दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप फिर वापिस नहीं ले सकते वो ऑफर एक्सेप्टेंस को. ओके, उसी एंगल से पॉइंट दिया है, ये चार पॉइंट दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस. ये भी थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इट्स अ बी क्वेश्चन. ठीक है, वो व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास. ठीक है, इट्स अ बी क्वेश्चन, करीब चार मार्क के एग्जाम में आ सकता है. दे एक्सपेक्टिंग यू 6 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. यहां मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप सीधा पॉइंट भी लिख सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखा तो चलेगा, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स है, पॉइंट्स के कुछ बहुत सारे ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनते, तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखा तो चलेगा. करीब आपको मैंने नोट्स में 9 पॉइंट लिखा के दिए, एग्जाम में 6 से 8 पॉइंट के बीच में आपको लिखना है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी. कहां कहां एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं, इट्स अ सी क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एक ही बार पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि गलती से क्वेश्चन आ गया तो हमने पढ़ा लिखा पढ़ा होना चाहिए, बाकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. हमने कम्युनिकेशन के दो मीडियम देखे थे क्लास, एक देखा था ओरली या जब फोन से बात हो रही तब, दूसरा देखा था हमने लेटर से. अगर क्लियरली इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको एंगल कौन कौन से लिखने हैं. नंबर वन, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, व्हेन कम्स नॉलेज ऑफ ऑफर. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, व्हेन कम्स नॉलेज ऑफ ऑफरर. बट लेटर में एक्सेप्टेंस में दो पॉइंट है, अगेंस्ट ऑफरर एंड अगेंस्ट ऑफरी. अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर तेरे लिए तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो गया था जब इस बंदे ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया था. वेरस अगेंस्ट ऑफरी एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर, तेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब सामने वाले को यानी ऑफरर को वो रीच होगा. ये हमने बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में, जिसको भी प्रॉब्लम है वो क्लास के वीडियोस देख सकते हैं. ये दोनों पॉइंट मेंशन करना है. किसका मेंशन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा. लेटर में हमने देखा था कि जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. चौथा पॉइंट आपको इससे मेंशन करना है कि रिवोक कब तक करना पॉसिबल है. ओके, तो रिवोकेशन हमने देखा था कि फोन वोन पे तो रिवोकेशन प्रैक्टिकल नहीं होता बिकॉज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है. वेयर एज हमने देखा था कि लेटर के केस में ऑफर रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने के पहले, और एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं ऑफरर को एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने के पहले. ओके, ये दो पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है. इतने पॉइंट्स लिखने हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो. पैटल क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चार से मैंने देख रखे. अब कौन कौन से केसेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, इससे कनेक्टेड एक दो क्वेश्चन है, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इवन दिस. तो ये कुछ केसेस जो मैं स्टामक कराऊंगा उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उस पे ध्यान देना. बाकी डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो
सो दिस वॉज क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका हमने T20 रिविजन किया, कैसे क्या आ सकते हैं, कितने पॉइंट लिखने हैं। डिटेल रिविजन के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट एक्ट का मैंने 3 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो चेक कर सकते हो, ठीक है, उससे आप ये कर सकते हो। ओके, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको चीजों को यहाँ पे T20 रिविजन में रिवाइज करके दे रहा हूँ। सो क्लास हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंसिडरेशन। तो बेसिकली हमने सेक्शन 10 में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब दोनों ही पार्टी का कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेशन है तो इट इज क्विड प्रो क्यो एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेशन नहीं है तो इट इज नडम पैक्टम, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जिससे रूल क्या बना, इफ देयर इज नो कंसेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने डेफिनेशन देखा कंसिडरेशन की, ये लर्न कर लेना क्योंकि ये इसे इंट्रोडक्शन की तरह यूज करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। फिर से बोलो, ये एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा या 6 मार्क के लिए आएगा। अगर 4 मार्क के लिए आएगा तो आप 6 से 8 पॉइंट लिख सकते हो, 6 मार्क के लिए आएगा तो आपको 8 पॉइंट पूरे लिखने पड़ेंगे, इसमें 8 ही पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट है, अगेन बोलो, आपको इस क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन में हेडिंग लिखनी है एंड उसके बाद 1 या 2 सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कंसेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब कंसेशन कौन डिसाइड करता है, प्रोमिसर डिसाइड करता है। जो कंसेशन प्रोमिसर डिसाइड करता है वो प्रोमिसी देता है या एनी अदर पर्सन देता है। इससे हमने प्रूव किया देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसेशन, मतलब कंसेशन कोई और भी पास कर सकता है क्लास, कंसेशन कोई और भी दे सकता है। ओके, इन सिमिलर पॉइंट पे चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला भी केस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको ये टिक करा दूंगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड, कंसेशन में पास प्रेजेंट या फ्यूचर, तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनते समय अगर कंसेशन मिल चुका है तो पास है, उसी समय मिल रहा है तो प्रेजेंट है, और फ्यूचर में मिलने वाला है तो फ्यूचर है। बट इंग्लिश लॉ में पास कंसेशन इज नो कंसेशन, ये आपको अपने रिस्पेक्टिव आंसर में क्लास मेंशन करना पड़ेगा। ओके, फिर कंसेशन होना कंपलसरी है, भले वो कम भी रहा तो चलेगा, यानी इनएडिक्वेट भी रहा तो चलेगा। तो सबने रूल क्या बनाया, कंसेशन शुड बी प्रेजेंट, वो इनएडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा और एडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो जो कंसेशन हमको अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, कंसेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। इट कैन बी एक्ट और एब्सिनेंस, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट सर, अगर किस एक पर्सन ऑलरेडी बाउंड है कोई चीज करने के लिए अंडर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आप जो भी एडिशनल कंसिडरेशन उसको दे रहे होंगे, सच कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। जैसे हमने दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस में देखा था कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से ही कलेक्टर से एग्री किया था कि वो मार्केट बनाएगा, तो उसके लिए अगर कोई दुकानदार उसे एडिशनल कंसिडरेशन भी दे रहा है तो वैलिड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर डॉक्टर ऑलरेडी ऑपरेट करने के लिए पैसे ले रहा है तो अगर उसको पेरेंट्स बोलते हैं हम आपको एडिशनल पैसा पे करेंगे हमारे बच्चे की जान बचा लो, तो वो एडिशनल कंसेशन वैलिड नहीं है। बिकॉज कंसेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू सो। अगर ऑलरेडी बाउंड है बाय लॉ, ठीक है, तो फिर एडिशनल कंसेशन वैलिड नहीं है क्लास। ओके, लास्ट पॉइंट, कंसेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज ऐसे केस में कंसेशन वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा क्लास। ओके, थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इफ देयर इज नो कंसेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कि कहां कहां
इवन इफ देयर इज नो कंसेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. बट यहां इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप ये पॉइंट लिखोगे आपको साथ साथ इनकी कंडीशंस भी लिखनी पड़ेंगी आंसर के अंदर. जैसे एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, हमने क्या पढ़ा, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है, लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप है एंड रिटर्न रिजल्ट है, तो इवन इफ देयर इज नो कंसेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. ये आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, To compensate for past voluntary service, इससे हमने देखा था कि past concession India में valid है. उसी point को ये point prove कर रहा है. Next, agreement to pay a time barred debt, हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी debt के खिलाफ court में case करने का time है साल 3 साल. 3 साल तक अगर आपने court में case कर दिया तो चलेगा, उसके बाद वो time barred हो जाएगा. मतलब loss से आपको पैसा recover करने का option नहीं है. However, किसी पर्सन ने वॉलेंटरी टाइम बार डेट पे करने का प्रॉमिस किया, वो राइटिंग है और वो साइन है उस पर्सन से, डेटर से, तो ऐसे केस में यस, फिर वो अलाउ है एंड सच विल बिकम वैलिड. गिफ्ट्स के केस में कंसेशन ऑब्वियसली नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, प्रोवाइडेड ये भी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी गिफ्ट डीड बनना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटर्न एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड. ओके, रेमिशन हमने चैप्टर नंबर 9 में भी देखा था कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ ऑलरेडी मिलने वाला है, सपोज 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और आपने कॉम्प्रोमाइज किया, नया एग्रीमेंट किया जिसके तहत आपको 1 लाख से कम मिलेगा, मतलब यू आर रिसीविंग लेस देन व्हाट इज ड्यू, तो ऐसे केस में भी अलाउड है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्प्रोमाइज अलाउ है, आप नया एग्रीमेंट बना सकते हो जिसमें पहले से आपको कम मिल रहा है, इवन देन सच एग्रीमेंट विल बी वैलिड. ओके, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन हमने क्या बोला, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को चैरिटी करने का बोलती है कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. बट अगर आपके प्रॉमिस पे सामने वाले ने कोई ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने आपको अगर प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 रुपए डोनेशन दूंगा, आपने उसके बेसिस पे 40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सामने वाले को रिपेयर्स करने का, तो ऐसे केस में टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कितने क्रिएट हुआ, 40,000 रुपीज का, टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड क्लास. ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट अगर आपके प्रॉमिस पे सामने वाले ने ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, ये पॉइंट देखो, ऐसे केस में सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, 5 देखे थे अपने, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमिटी, गारंटी, एजेंसी, उनमें से 3 केस में कंसेशन नहीं भी हुआ तो चलेगा. बेलमेंट में अगर कंसेशन नहीं है उसे बोलते हैं ग्रैट्यूटस बेलमेंट. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, मतलब इंग्लिश लॉ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कोई ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट में होता है, तो वहां पर कंसेशन नहीं भी रहा तो चलेगा. ओके, लास्ट पॉइंट हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हमने बोला कास जो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ही कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है. स्ट्रेंजर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है वो राइट एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकती. ओके, तो इस पे क्लास थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चारों पांचों पॉइंट मेंशन करने हैं. ओके, 4 से 5 पॉइंट बनेगा, बट इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपने मेंशन करना चाहिए. सो ये सारे एक्सेप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जहां जहां स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है. आपको ये एक्सेप्शन सारे याद रखने हैं क्लास, इनमें से इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सारे केस में वो थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सबको आपको एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना है. जैसे बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट हमने चेन्नई वर्सेस रमैया देखा था, फैमिली सेटलमेंट में हमने देखा था कि अगर बंटवारा हो रहा है तो बंटवारे में जिन जिन को कुछ मिलने वाला है भले ही वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है वो बात कोर्ट में केस कर सकती है.
मैरिज सेटलमेंट देखा था कि अगर किसी मैरिज सेटलमेंट में किसी फीमेल मेंबर को कुछ मिलने वाला है और अगर उसे नहीं मिला तो वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। ओके, असाइनमेंट में हमने देखा था अगर आपने अपने लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर किया, जैसे अगर मैंने अपने डिविडेंड लेने का राइट अपने वाइफ को ट्रांसफर किया है क्लास, ऐसे केस में अगर वो डिविडेंड नहीं मिला कंपनी से तो वाइफ भी कोर्ट में केस कर सकती है कंपनी के अगेंस्ट में, भले ही शेयर होल्डर मैं हूं। ओके, जिसको आपने असाइन किया है वो राइट क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एस्टॉपल, हमें देखा था कि अगर ए ने गुड्स दिया बी को, पैसा देना सी को, सी ने को पैसा नहीं दिया बी ने, तो सी कोर्ट में केस नहीं कर सकता। बट अगर बी ने सी को खुद ने एक्नॉलेज किया है कि मैं आपको पैसा पे करूंगा तो उस पर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ऐसे केस में यस वो कोर्ट में केस कर सकता है। नेक्स्ट कोवेनेंट्स यानी कंडीशंस रनिंग विद द लैंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट लैंड को लेके है उससे जिस भी पार्टी को जो भी मिलने वाला है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हो या ना हो वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकती है। ओके, लास्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट, भले ही मेरे एजेंट ने उस पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है बट वो क्लेम करने के लिए प्रिंसिपल भी थर्ड पार्टी के खिलाफ और थर्ड पार्टी भी प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है। ओके, दिस आर द एक्सेप्शंस, शॉर्ट में मैंने दिया हुआ ही है आपको ये। अब इसमें से कौन कौन से केस लॉस इंपॉर्टेंट है, एक है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली इन दोनों को छोड़ के पहले नाइन में से कोई भी केस पूछ सकता है क्लास एग्जाम में। ओके, तो मैं आपको जल्दी से T20 रिवीजन दिया सारे पॉइंट्स का। ओके, ऐसे ही मैं आपको रिविजन्स दूंगा सारे लेक्चर का, जो आधे आधे पौन पौन घंटे के रिविजन्स होंगे। इसके साथ साथ भी आप एक बार पढ़ाई कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछ सकते हो बट अपने रेस्पेक्टिव डाउट ग्रुप में। ओके, दिस वाज रिवीजन ऑन चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। कल मॉर्निंग में मैं जूम मीटिंग लेके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने वाला हूँ, कल मॉर्निंग में मैं जूम मीटिंग लेके वो क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा कि लिखते कैसे है, क्या लिखते हैं। ओके, और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उसमें। बाकी स्टे ट्यून विथ मी, ऐसे और बहुत सारे जल्दी क्विक रिविजन लेके भी मैं आऊंगा। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।